सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। डोमिनोज तो लेता है 30 मिनट्स का डिलीवरी चैलेंज, पर मैं करने वाली हूँ डोमिनोज फूड चैलेंज। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ सारा दिन सिर्फ डोमिनोज। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज ना मैं लेट उठी क्योंकि भाई डोमिनोज भी ना लेट खुलता है। वैसे कई लोगों को लगता है कि डोमिनोज में सिर्फ और सिर्फ पिज्ज़ा मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि आज ऐसी ऐसी डोमिनोज की डिशेस दिखाने वाली हूँ मैं जो शायद ही आपको पता है कि यहाँ मिलती है। वैसे जैसे ही इनका आउटलेट खुला है ना, मैं वैसे ही आ गई हूँ। आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट कस्टमर। सो चलो भाई, भूख बहुत तेज़ लग रही है, जल्दी से चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, आ जाओ। सो गाइज, जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रही हूँ, आप लोग भी ना जल्दी से जाके मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, 10,000 से भी ज़्यादा लाइक करना। सो गाइज, ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट। तो ये देखो भाई मैंने क्या ऑर्डर करा है, खुल जाओ भाई। ओ माय गॉड, दिस इज वेज बर्गर पिज्जा एंड जस्ट हैव अ लुक। वाओ, दिस इज सो चीज़ी। आई एम रियली एक्साइटेड। और उसके साथ मैंने ली है ये आइस टी। चलो भाई अब ट्राई करते हैं, भूख बहुत लग रही है। ओके भाई, इसको पकड़ ही लें, गर्म बहुत ज़्यादा है। ओहो, कैसे खाओ भैया, मैं पहली बार खा रही हूँ। अमेजिंग भाई, इसके अंदर इन्होंने डाला है पनीर, पेपरिका, रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम, और ये देखो इसके साथ इन्होंने जो हर्ब से इन्फ्यूज मेयोनीज डाली है ना, बहुत ही बढ़िया लग रही है भाई। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, पहली बात तो, जो सबसे अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये जो उसका ऊपर के बन है ना, और नीचे का जो बन है वो टोस्टेड है, प्लस इसके ऊपर भी इन्होंने चीज़ डाली है। देखो ये बन के ऊपर भी इन्होंने चीज़ डाली है और हर्ब्स डाली हैं। वाह यार, ये खा के सचमुच मज़ा आ गया। ओ माय गॉड, दिस इज सीरियसली वेरी 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 गुड। अब भाई सुबह का टाइम है, ज़रा गर्म चाय नहीं है तो आइस टी तो पी लूँ। खुल जाओ, खुल जाओ सिमसिम, बड़ा टाइट है। दिस इज़ सो रिफ्रेशिंग। बट सुबह सुबह अदरक वाली चाय का ना अपना ही अलग मज़ा है। ये भी बहुत बढ़िया लग रही गर्मी में। बट मुझे ना जिंजर टी ज़्यादा पसंद है। ओके, और भाई ये तो मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँगी, मुझे बहुत पसंद आया। सो इट्स लंच टाइम गाइज, और मैं आ गई हूँ राज मंदिर। भाई पिक्चरें तो अभी चल नहीं रही हैं, तो राज मंदिर के साइड में है डोमिनोज, जहाँ पे मैं करूँगी अपना लंच। एंड पता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं अपने घर चली गई थी और पूरे 2 घंटे आराम से सो के आई हूँ। अब लग रही है मुझे बहुत ज़ोरों की भूख, तो चलिए चल के खाते हैं जिसके लिए डोमिनोज फेमस है, पिज्ज़ा। आ जाओ पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे। सो गाइज, अब आ गया मेरा पिज्जा, सो जस्ट हैव अ लुक। चलो भाई अब खोलते हैं इसको। ऑल राइट, खुल जाओ भाई। वाओ, दिस इज लोडेड विद सो मैनी मैनी टॉपिंग्स। ये देखो भाई इसके अंदर क्या क्या डाला है। इसके अंदर डाला है मशरूम, बेल पेपर, जलेपिनो, कॉर्न और पता नहीं बहुत सारी टॉपिंग्स हैं भाई। पता है ये जो वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा पिज्ज़ा है ना, दिस इज़ अ 450 रुपीज़, और इसके अंदर आपको मिलती है 8 टॉपिंग, जबकि रेगुलर जो पिज़्ज़ा है ना, वेज पिज़्ज़ा इनका, वो 400 का है, और उसके अंदर डालते हैं ये 4 टॉपिंग्स। सिर्फ 50 रुपये एक्स्ट्रा देने में आपको कितनी सारी एक्स्ट्रा टॉपिंग्स मिल रही है ना, आई एम सो एक्साइटेड। और इसके साथ मैंने ऑर्डर करा है ये फ्रेंच फ्राइज, दीज आर कॉल्ड क्रिंगल फ्राइज। अरे खुल जा भाई। ओ, ये देख रहे हो, अरे खुलो भाई, ढंग से खुल जाओ। ये इतनी ज़रा सी प्राइस है, इतनी कम प्राइस है। मैकडोनल्ड्स के अंदर तो कितनी ज़्यादा प्राइस देते हैं लोग। वैसे मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ डोमिनोज में ना फ्राइज मिलती हैं, ये इतनी ज़रा सी प्राइस हैं। चलो अब खाएंगे इनको भी भाई, और पहले मैं खाऊँगी पिज्ज़ा। ऑल राइट भाई,
थोड़े ज़रा चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल दें, खुल ये कभी पता है मुझसे कभी भी नहीं खुलता ये, खुल जा भाई कहीं से तो खुल जाओ, आ खुल गया। और थोड़े डालती हूँ नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा। चलो एक पाउच तो डाल ही देती हूँ, ठीक है अब डालते हैं और ओरिगैनो ना खुल, अरे भाई ये तो बड़ी जल्दी खुल गया। ओके चलिए भाई इसके अंदर जो है मसाले वसाले तो डल गए हैं, अब बारी है खाने की। आहा आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस, इट्स हैवी ड्यूटी। और मैंने ना थिन क्रस्ट जो है पिज्ज़ा ऑर्डर नहीं करा है भाई, जब कैलोरीज लेनी है तो पूरी लो ना कि थिन क्रस्ट लो, ये पूरा बढ़िया क्रस्ट है देख रहे हो, एकदम मोटा ताज़ा है। चलो भाई अब खाते हैं। डोमिनोज की पिज्जा की बात ही अलग है, जब इतने सारे टॉपिंग्स और इतनी सारी चीज डल जाती है ना तो पिज्जा खुद ब खुद एकदम स्वादिष्ट हो जाता है। मुझे पर्सनली डोमिनोज का पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई अब ये जो इन्होंने थोड़ी सी प्राइस दी ना इनको भी चख लेते हैं। क्रम 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 फ्राइज के अंदर कोई क्रंच नहीं है ना ही कोई आवाज़ आई है, तो मैंने अपने मुंह से आवाज़ निकाल दी। वैसे गाइस आपने मेरा पिज़्ज़ा चैलेंज वाला वीडियो देखा है कि नहीं? अरे नहीं देखा है तो देखो, बहुत ही मज़ेदार वीडियो था जो मैंने अपने घर पे ही बनाया है। पिज़्ज़ा देख के ना आप समझ जाओगे कि मैं कितना पिज़्ज़ा खा सकती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही अलग सा पिज़्ज़ा। अभी जो फ्राइज़ है ना इनको एक एक करके आप ये पिज़्ज़ा के ऊपर सजा दो। अब ये पता है क्या बन गया? अब ये बन गया वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा फ्रेंच फ्राइज पिज्जा। ओ माय गॉड ये नाम ही कितना बड़ा हो गया ना, आई थिंक अब ना इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा, गारंटी है मेरी। अरे भाई फ्राइज तो गिरो मत। चलो भाई फ्राइज के साथ खाती हूँ मैं। एक्चुअली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैंने बॉम्बे के अंदर फ्रेंच फ्राइज वाला डोसा खाया, पिज्जा भी खा लिया। इट्स स्नैक टाइम गाइस, और देखो मैं डोमिनोज से क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले ये है भाई इनकी स्टफ्ड, अरे खुल जाओ भाई, इनकी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, और ये देख रहे हो वाओ ये तो दिखने में ही बहुत सुंदर है। और के साथ ही मैंने लिया है ये वेज पार्सल, वाओ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये मैंने ट्राई नहीं करा पहले, पहली बार खाऊंगी आज। उसके साथ में मैंने ली है यहाँ पे चीज़ी आलेपिनो डिप। तो चलो भाई सबसे पहले खाऊंगी मैं मेरी फेवरेट गार्लिक ब्रेड। चलो भाई पहले इसको ज़रा बीच में से डिसमेंटल करती हूँ। ऑल राइट, ओ माय गॉड ये देख रहे हो, वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग। All right. Oh. बहुत चीज़ी है, oh my God. This is so cheesy. चलो भाई आ जाओ। Wow, this is so good. भाई ये बहुत ही चीज़ी है, ये देखिए इसके अंदर इन्होंने स्टफ़ किए हैं एलोपिनो एंड कॉर्न एंड loads of cheese. चलो भाई इसके ऊपर ना ये इन्होंने हर्ब्स भी डाले हुए हैं, वैसे ये काफ़ी बटरी और काफ़ी गार्लिकी है। भाई अब डिप लाएँ तो डिप भी तो ट्राई करें, अब पता नहीं है मुझसे खुलेगी कि नहीं। खुल गया भाई, ये खोलने में ना मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है वैसे। चलिए खुल गए भाई, ओके थोड़ी सी डिप डिप कर लेते हैं, डिप डिप डिप। अरे उनकी डिप भी जो है एलोपिनो डिप बहुत ही अमेजिंग है भाई, सीरियसली मज़ा आ गया इसको खा के। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी इनकी जो स्टफ गार्लिक ब्रेड है ना वो आप लेना, क्योंकि वैसे तो मुझे बहुत पसंद है रेगुलर गार्लिक ब्रेड से, ये ज़्यादा चीज़ी और बटरी है। अमेजिंग भाई इसको खाऊँगी, अभी वेज पार्सल भी तो ट्राई कर लूँ। ऑल राइट ये आ गया वेज पार्सल,
भाई दिखने में ना ये बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा पार्सल लग रहा है, देख रहे हो, और इसके अंदर मुझे पनीर भी दिख रहा है एंड इन्होंने इसके ऊपर जो है हर्ब्स बहुत सारी डाली है। चलो भाई नाउ आई एम टेम्प्टेड टू ट्राई दिस, ये पहली बार ट्राई करूँगी। कुछ अलग सा ही टेस्ट है, ये हल्का सा मीठा मीठा है, कुछ खट्टा खट्टा सा भी आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या है, बट ये काफ़ी ऑयली है। और इसके अंदर ये देखिए इन्होंने इसके अंदर मेयोनीज भी डाली हुई है, साथ में पनीर भी है। चलो भाई पार्सल भी खोल ही देती हूँ मैं। ये देखो छोटू सा पार्सल है, इंटरेस्टिंग, बट मुझे ना ये गार्लिक ब्रेड डोमिनोज की ज़्यादा पसंद है। भाई प्राइस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जहाँ तो ये 40 रुपीज़ की है, अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज़ की है, सो आई प्रिफर दिस। इट्स डिनर टाइम गाइज, और आज सारा दिन डोमिनोज खाते 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 खाते, भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। ये जो 24 आवर्स चैलेंज है ना, अरे मार्क्स नीचे आ गया। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलो चलते हैं अब डिनर खाते हैं, आ जाओ। सो ये आ गया मेरा एकदम लाइट सा डिनर। भाई गाइस सुबह से डोमिनोज खाते खाते पेट बहुत भर चुका है, इसलिए डिनर जो है मैं लाइट करने वाली हूँ। सो देखो मैंने क्या ऑर्डर करा है, यहाँ पे है मैक्सिकाना टाको। ऑल राइट, देखे ज़रा क्या है भाई इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर तो आलू की पैटी भरी है, ऊपर से कुछ मसाले वसाले डाले, पता नहीं क्या है। और उसके बाद वैसे ये डब्बा जो है वो भी फ्राइज में भी था ना, ये देखो क्रिंगल फ्राइज लिखा है, मल्टीटास्किंग कर दी भाई डोमिनोज ने। और यहाँ पे लिखा है परेरो चीज शॉट्स, तो अभी यही ऑर्डर करा है मैंने। अरे खुल जाओ भाई, ये देखिए ओ ये खुलता नहीं है। तो ये देखिए भाई पोटैटो चीज शॉर्ट्स भी जो हैं सिर्फ पांच ही आए हैं, पांच ही है ना। देखा कितना लाइट है डिनर। तो चलो भाई पहले मैं खाऊंगी मेरा टाको। ऑलराइट, दिखने में तो ठीक ही लग रहा है। हाँ गर्म बहुत है, ठीक है भाई। इसके अंदर इन्होंने जो आलू की पैटी डाली है, उसके बाद देखिए हरीसा सॉस भी डाला है इसके अंदर, और आलू की पैटी में मुझे देख रहा है अनियन वनियन भी है, मैक्सिकाना है, तो ये देखो रेड बीन्स भी डले हुए हैं इसके अंदर। ओके मैक्सिकाना है ना, तो हल्की हल्की सी जो है ये स्पाइसी भी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बट हल्की हल्की स्पाइसी है, थोड़ा डिफरेंस टेस्ट है। अब चीज़ शॉर्ट्स खाते हैं, पहले खोलूँगी इस चीज़ शॉर्ट को। ओके मुझे लगा था ऐसे चीज़ जो है ना ऐसे स्ट्रेच आउट होगी, जो बिल्कुल भी नहीं हुई भाई। ओके ओह बहुत गर्म था, गर्म गर्म खा लिया मुँह में। ये बढ़िया है, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा है, बस इसके जो अंदर है ना, ये देखो पूरा डिसमेंटल करके दिखाती हूँ, ये देखो उप्स, ये तो चिली फ्लेक्स भी डाले हैं इन्होंने, बट अगर इसके अंदर वो ग्रीन चिली जो एकदम तीखी तीखी वाली होती है ना, वो डाल देते तो और मज़ा आता। मुझे एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा लगा, क्या जब मैं करती हूँ इसको फिनिश। और अब ना मैं अपनी डिज़र्ट यहीं से पैक करा के घर जाऊँगी, अभी पेट बहुत भरा है, डिज़र्ट मैं रात को आराम से खाने वाली हूँ। इट्स डिज़र्ट टाइम गाइज, और ये देखो मैं डोमिनोज से क्या लेकर आई। सो ये है चोको लावा केक, और ये जो काजू देख रहे हो ना, ये भाई मेरे पर्सनल है, डोमिनोज ने नहीं डाले हैं। उसके साथ मैंने लिया है बटर स्कॉच मूस। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस, एंड ये जो चोको लावा केक है ना, इसका लावा पहले ही फूट गया। अभी देखते क्या निकलता है। चलो भाई अरे आ जाओ, कुछ तो लावा दिख जाओ। लावा तो सारे ही ख़त्म हो गया, थोड़ा थोड़ा सही है, ज़्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, लावा फूट गया था, बट ये बहुत ही डिलिशियस है भाई, काफ़ी गुई गुई सी है, उसके अंदर भरी हुई है चॉकलेट जो अभी बाहर नहीं आ रही पर है। अब मैं खाती हूँ ये बटर स्कॉच मूस है, ठंडा ठंडा है। बहुत ही मज़ेदार है, मैंने सोचा नहीं था डोमिनोज की जो डिज़र्ट्स है ना इतनी बढ़िया निकलेंगी गाइस, सचमुच वाकई कमाल की हैं।
तो चलो भाई अब मैं ना जल्दी से अपनी दोनों डिजर्ट्स फिनिश कर लेती हूँ ताकि घर वाले शेयर नहीं करें। भाई मुझे अपनी डिजर्ट शेयर करना पसंद नहीं है और इतनी मेहनत से मैं आप सबके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, एक लाइक तो बनता है ना। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सारे के सारे इस वीडियो को लाइक कर देना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।